खातिर जमा रखिए, ये जो हालात बन रहे हैं, ये तालिबान तो एक नुक्ता आगाज है, ये जो हालात बन रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखें तो लगता यूं है कि अब की बात है या 10 साल की या 5 साल की, कब होगा कब नहीं होगा, हालात इमाम महदी के बन रहे हैं। और वो असल इम्तिहान होना है, वो खुशी की बात नहीं है, वो आजमाइश की घड़ी है। और इमाम महदी ने जब बैत लेनी है ना, तो उसने जिहाद पर बैत लेनी है, जिसका माना किताल है, जिहाद की वो आखिरी कड़ी किताल पर बैत लेनी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम महदी आएंगे ना, तो लोग तीन हिस्सों में, मुसलमान तीन हिस्सों में तकसीम हो जाए। एक हिस्सा वो जिन्होंने इमाम महदी को तस्लीम ही नहीं करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठंडे कमरों में बैठने वाले और पुरसकून जिंदगी गुजारने वाले, वो जिहाद पर बैत करके कैसे तस्लीम करेंगे? किताल पर बैत करनी है, वो उनके पास हजार दलीलें होंगी, जैसे आज हमारे पास तालिबान के खिलाफ हजार दलीलें मौजूद हैं। लिहाजा जिहाद और किताल पर बैत होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हिस्सा तो जिसने बैत ही नहीं करनी, उन्होंने मानना ही नहीं, फरमाया उनके दिल में रत्ती भर ईमान नहीं होगा, लिहाजा ये तो वैसे ही गए, नाम के मुसलमान है। बाकी जो दो हिस्से रह गए, फरमाया उनमें से आधे यानी तीसरा हिस्सा टोटल में से वो शहीद हो जाएगा इस जुद्दोजहद के अंदर, इस किताल के अंदर। और फरमाया वो रूए जमीन के बेहतरीन शहीद होंगे, और जो बच जाएंगे उनके जरिए इस्लाम का गलबा होगा, और उनकी उनके ईमान की सतह ये होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनके ईमान को फिर कोई आजमाइश उसके बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज मौका उस आजमाइश के लिए अपने आप को तैयार करने का है। मैं और आप अपने आप को, अपने ईमान को, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, हमने मर जाना है, रास्ते में मौत आ जानी है, या शहादत हमारे किस्मत और नसीब में लिखी है, क्या होना है क्या नहीं होना ये सब अल्लाह के हाथ में है। सिर्फ हमारे जिम्मे ये है कि मैं और आप इसी वक्त हर लम्हे हम अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी की पहली तरजीह बनाते हैं कि नहीं। अगर आज हम अल्लाह के दीन को अपनी पहली तरजीह बना लें तो इंशाअल्लाह गलबाए दीन का आगाज आज से शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको तौफीक अता फरमाए।